ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति और आपके राशि के स्वामी मंगल 30 अक्टूबर 2022 को वक्री होने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 30 अक्टूबर 2022 को शाम 6:54 पर मंगल मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे और आगामी 13 नवंबर 2022 तक मंगल मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। उसके उपरांत मंगल वक्री अवस्था में ही वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां ये 12 जनवरी 2023 तक वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं। तो देखिए, मंगल शनि के साथ षडाष्टक बना रहे हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव तो देखने के लिए मिलेगा ही। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हालांकि मंगल मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं, तो इसका देश दुनिया के ऊपर, सैनिक के ऊपर और वैश्विक स्तर पर भी कई बड़े परिवर्तन के साथ साथ बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। मंगल के बारे में आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति और युद्ध का देवता कहा जाता है। मंगल को साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, अचल संपत्ति का, सौतेली माँ का, शरीर में बहने वाले रक्त का, भूमि और युद्ध का कारक ग्रह माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रभाव रहता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। कर्क और सिंह लगन के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं। जन्म कुंडली पर मंगल की स्थिति यदि बली हो तो जातक के अंदर अभूतपूर्व साहस देखने के लिए मिलता है। ऐसा जातक किसी के दबाव में कार्य करना पसंद नहीं करता है। मंगल यदि बली हो तो जातक को खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयास में ही बड़ी सफलता मिलती है। वहीं मंगल यदि बली हो तो जातक के अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति देखने के लिए मिलती है और इस ऊर्जा शक्ति का जातक भिन्न भिन्न वातावरण में उपयोग कर सकता है। मंगल यदि जन्म कुंडली में 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11th भाव में स्थित हो तो इनके परिणाम काफी ज्यादा अच्छे और लाभकारी रहते हैं। जन्म कुंडली पर मंगल के पीड़ित होने पर शत्रुओं से लगातार पराजय का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में हमेशा समस्या बनी रहती है। कर्ज और जमीनी विवाद जातक का पीछा नहीं छोड़ते हैं। संतान प्राप्ति में विलंब का सामना करना पड़ता है। जमीन जायदाद से संबंधित विवाद और मुकदमेबाजी जीवन में हमेशा बनी रहती है। वहीं यदि जन्म कुंडली पर मंगल के द्वारा मांगलिक दोष का निर्माण हो तो वैवाहिक जीवन में समस्या बनी हुई रहती है। मंगल के पीड़ित होने पर रक्तचाप, फोड़े फुंसी और ब्लड प्रेशर की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, यदि आपकी राशि मेष है और आपके ऊपर शनि या मंगल की महादशा चल रही है तो वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय की जानकारी हम आपको देंगे, जिसको आपको जरूर करना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके राशि के पराक्रम भाव में वक्रगत स्थितियों में रहेंगे और 13 नवंबर के उपरांत आपके धन भाव में वक्री हो रहे हैं। तो इनके प्रभाव के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो सबसे पहले सकारात्मकता के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पराक्रम भाव में बली मंगल, यदि आप अपने जीवन में धैर्य के साथ चलते हैं, यदि आप अपने जीवन में अति उत्साह से बचते हैं, धैर्य बनाकर चलते हैं, तो आपको कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को इस दौरान कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़े मुकाम पर जाने के लिए समर्थता देखने के लिए मिलने वाली है। वक्री मंगल के प्रभाव से प्रयासरत जातकों के लिए अच्छी संभावना निरंतर बनी हुई रहेगी।
व्यापारिक जीवन में आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना बन रही है। आपकी राशि के पराक्रम भाव में और राशि के दूसरे भाव में वक्री मंगल के प्रभाव के कारण जो मंगल की दृष्टियां रहेंगी वो आपके राशि के संतान भाव पर जाएगी, आपके राशि के अष्टम भाव पर जाएगी और आपके राशि के भाग्य भाव पर जाएगी। तो इस दौरान पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा। यात्राओं पर जाने के लिए आपको अवसर मिलेंगे। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में पूर्व के समय से ही परिवार के सदस्यों को लेकर चुनौतियां बनी हुई है, उनके लिए स्थितियां धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आने वाली है। भाग्य भाव पर बलि मंगल के प्रभाव के कारण हायर एजुकेशन के मामले में या शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। अब आपको सावधानी क्या रखने की आवश्यकता रहने वाली है, तो इस दौरान आपको जीवन में स्वास्थ्य के नजरिए से बेहद अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान अपने क्रोध में आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध में उग्रता काफी ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए जब आप किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप करें, यदि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ या परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ यदि आप वार्तालाप कर रहे हैं तो आपको क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। नाप तोल कर अपनी भावनाओं और बातों को व्यक्त करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आप अपने जीवन में यदि परिवार के सदस्यों के साथ संलग्न हैं तो आपके झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। यदि आपके जीवन में पूर्व के समय से ही आर्थिक मामलों में उन्नति बनी हुई है तो इस दौरान आपको धन का सोच विचार कर निवेश करना बेहतर रहने वाला है। शेयर सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि मेष राशि वाले जातक धन का निवेश करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो निश्चित ही धन के डूब जाने की संभावना बनेगी। बलि मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में वक्रगत स्थितियों में मंगल के रहने के कारण इस दौरान यदि आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए और तेज गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए। डेली वेजेस की इनकम में तो आपको बढ़ोतरी जरूर देखने के लिए मिलेगी, परंतु धन के व्यय की विशेष संभावना आपके जीवन में बन रही है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मंगल के परिवर्तन के कारण देखने के लिए मिलेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ विशेष और धार्मिक उपाय जिसको करके आप जीवन में श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप शिक्षा के मामले में जुड़े हुए हैं या कर्म क्षेत्र में आप संलग्न हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ लाल मसूर का दान करना और गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस दौरान मंगल से जुड़ी हुई अनिष्टता को दूर करने के लिए, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए संभावना श्रेष्ठ बनेगी और इस दौरान आपको जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को आप देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशि फल से संबंधित होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।